तो मैं आपको सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मेरी वीडियो नहीं आ रही, उसके लिए सॉरी। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि अपना बना बनाया सब कुछ वो छोड़ के ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं सब कुछ क्विट कर रहा हूँ। तो जैसा देख सकते हो ये मकड़ी का जाल वगैरह जो होता है वो सब, और ये कवर से ही आप लगा सकते हो कितना गंदा हो रखा है, देख सकते हो। एक मंथ से बाइक ऐसे ही कैसे ही पड़ी हुई है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये सब मैं भी छोड़ना पड़ेगा, तो मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। और वीडियो ना आने का रीज़न और भी बहुत कुछ है, वो सब मैं आपको बता नहीं सकता, बट सिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर के थ्रू मैं ले रहा हूँ, कि लेते ही मेरे को इतना ज़्यादा नींद वगैरह आता है कि मैं ज़्यादातर मैं सोता ही रहता हूँ। 24 घंटे में मैं लगता है कि 18 घंटा तो मैं सोता ही रहता हूँ, तो वो काफ़ी सही भी है, ताकि क्या कहते हैं, पेन इतना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ताकि उसे मैं झेल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं मेडिसिन के थ्रू मैं सोते रहता हूँ। तो और ये बाइक के साथ हो सके मेरी लास्ट वीडियो हो, क्योंकि हो सके मेरी लग गया जो भी हो रीज़न की वजह से मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ। तो बाइक को मैं सोच रहा हूँ कि सेल करने के लिए, और मैं किसी ऐसे लोगों के साथ तो सेल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद, खरीदने की बात करता है ना, तो फिर अभी तो मैं बोल रहा हूँ सेल से, जब ये बिकने लगेगी ना तब बहुत ही ज़्यादा क्या ही बताऊँ, मतलब कि अजीब लगे। काफ़ी याद है इस बाइक से जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, आई सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, मैं सारा क्लियर करूंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न है, नहीं रीज़न है, क्यों मेरी वीडियो नहीं आ रही है, ये सब मैं सब कुछ मैं बताऊंगा कि क्या मैं अभी फेस कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो सब कुछ मैं आज बात करूंगा। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के आज मैं सोचा कि एक वीडियो मैं दे देता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट वगैरह आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, मैसेज वगैरह भी लोग कर रहे हैं कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है, ये रिलेटेड मेरे को वीडियो बनाओ, वो मेरे को ऐसा ऐसा करके मैसेज आ रहा है। तो सब कुछ मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। कि जैसा कि आप मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखा था कि मैं नोएडा से डेली आया था पेपर के लिए, मेरा क्या कहते हैं ये ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का जो मेरा पेपर था, इसकी वजह से आया था। तो पेपर तो काफ़ी पहले ख़त्म हो रखा है, उसके बाद भी बहुत कुछ प्रॉब्लम वगैरह आई जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, और कहीं मैं जा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ के मेरे फ्रेंड वगैरह जो सर्कल है जो सब कुछ छूट छूट रखा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वीडियो वगैरह शूट करना। और यहाँ पे थोड़ा मतलब कि जहाँ मैं हूँ गया, ये थोड़ा वैसा दिल्ली नोएडा जैसा नहीं, यहाँ पे थोड़ा शूट करने में भी सोचना पड़ता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि क्या ही बताऊँ, अभी भी देख रहे हो कि मेरे को पसीना आ रहा है। और मैंने फ़ैन इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वगैरह, आज फैन ऑन करूँगा तो उसके बाद से काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को सुनने वगैरह में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं फ़ैन वन करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सुन पाओ, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो में यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि विंड की वजह से, इसलिए मैंने नॉइज़ के लिए मैंने फ़ैन वन कर रखा है। तो मैं आपका सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मेरी वीडियो नहीं आ रही है। तो जैसा कि मेरा पेपर तो क्या कहते हैं, हाँ ये मेरा पेपर स्टार्ट था पिछले मंथ में, तो मेरा पेपर तो ये ख़त्म हो गया था इसी मंथ में, इस मंथ में नहीं, अप्रैल, हाँ अप्रैल में मेरा पेपर ख़त्म हो गया था। उसके बाद से फिर क्या हुआ नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं बीच में कहीं वीडियो में कंटिन्यू करूँ, मैं आपको बताऊँ, फिर कुछ ना कुछ घर के प्रॉब्लम वगैरह आया था, कभी कुछ ना कभी भाग दौड़ मैं इधर उधर कर रहा था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। फिर बीच में मेरी बाइक ख़राब हो गई, मैं नीचे जाके आप लोग को बाइक दिखाऊँगा, एक मंथ से बाइक नीचे पड़ा हुआ है, बाइक मैं चला भी नहीं रहा हूँ, उसमें काफ़ी वगैरह प्रॉब्लम था, वो सबको तो सॉर्ट आउट अभी हो चुका है, बट फिर भी अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो तो मैं नीचे जाके आप लोग को बाइक दिखाऊँगा, कोल्ड स्टार्ट वगैरह करके मैं दिखाऊँगा कि बाइक क्या एक मंथ से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो सब तो करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हो सके ये मेरी वीडियो और लास्ट वीडियो भी मेरी हो सकती है, क्योंकि मैं यूट्यूब में छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि अभी जैसा सीन चल रहा है मैं खुल के तो आप लोगों को नहीं बता सकता, बट थोड़ा मैं हिंट दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मेरी तबीयत वगैरह बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी मेरा क्या कहते हैं 15 दिन से मैं बेड रेस्ट पे हूँ, और यही बस मेरे को डॉक्टर ने बस मेरे को बोला है सोने के लिए, चलने वगैरह के लिए, सब कुछ के लिए उसने मना करा है, और क्या कहते हैं बाइक वाइक चलाने वलाने के लिए, क्या कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह कैसे मूवमेंट के लिए उन्होंने मना करा, उन्होंने बोला कि प्रॉपर आपको बेड रेस्ट चाहिए, और खाने पीने पे भी काफ़ी ज़्यादा रोक लगा रखा है, सिर्फ मेरे को सादा खाना वगैरह खाना, जैसे कि रोटी हो गया, ग्रीन वेजिटेबल वगैरह हो गया, बाहर का कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं, और एक मंथ से मैंने बाहर का सब कुछ मैंने खोल रखा है, तो बाहर का तो मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, बस घर का मैं खा रहा हूँ। तो सब कुछ मैं बताऊँगा कि क्या रीज़न है और क्या नहीं है। सो रीज़न देखो यही है कि क्योंकि यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वीडियो वगैरह शूट करने में, और अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हो 2 मंथ से मेरी वीडियो नहीं आई, यही सब रीज़न है, और काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह है जिसको मेरे को फेस करना पड़ रहा है, और डॉक्टर ने भी मेरे को बोला है कि एक मंथ प्रॉपर मेरे को बेड रेस्ट करने
करने के लिए और फिर उसके बाद बाइक वगैरह चलाने के लिए। मेरी फैमिली की तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर एक मंथ मैं छोड़ दूंगा फिर इधर एक मंथ वीडियो नहीं आएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये सब मैं क्विट करने के लिए। और अब नोएडा तो वापस इधर जाने का कोई प्लान नहीं है, जाऊंगा तो फिर बाइक लेके जाने का तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, तो वही सब सोच रहा हूँ कि मैं क्विट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो और आप लोगों का रिस्पांस भी उतना खास मेरे को यूट्यूब पे मिल नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज करा, कितनों ने कमेंट करा है, कितनों ने मैसेज करा इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके, उन्होंने मेरे को बोला है कि भैया आपकी वीडियो नहीं आ रही है, कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है, क्या रीज़न है ऐसे वैसे कि वीडियो बनाओ ये वो, काफ़ी बोला है कि मेरे को ये रिलेटेड वीडियो चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है। सबको मैं प्रॉपर जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ, मैं प्रॉपर रिप्लाई वगैरह भी मैं सब कुछ मैं करता हूँ, तो मैं बताते रहता हूँ। तो यही मैंने सोच के मैंने सोचा कि काफ़ी मैं एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि सब लोग तो मैसेज वगैरह नहीं करते लेकिन कुछ लोग हैं जो मैसेज वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बीच में जो प्रॉब्लम मेरे को हो गया है जिससे मेरा अभी ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो मैं बता नहीं सकता कि क्या है नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन मेरा ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है और अभी काफ़ी दवा वगैरह मेडिसिन ये सब मेरा अभी चल रहा है, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि एक मंथ के लिए प्रॉपर रेस्ट करने के लिए, तो इसी वजह से क्या कहते हैं मैं बाहर कहीं जा नहीं सकता, वीडियो वगैरह शूट कर नहीं सकता, इसलिए मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये सब मैं भी छोड़ना पड़ेगा, तो मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। और वीडियो ना आने का रीज़न और भी बहुत कुछ है, वो सब मैं आपको बता नहीं सकता, बट जितना जो जो है आप लोग समझ सकते हो मैंने आपको बता दिया। और अभी एक मंथ से नीचे बाइक लगी पड़ी है, मैं आप लोग को अभी जाके मैं आप लोग को बाइक दिखा रहा हूँ कि बाइक की क्या हाल हो रखी है। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि मैं अब बेड रेस्ट करने के लिए ये सब बात क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा मेडिसिन वगैरह क्यों चल रहा है और मैं डॉक्टर ने मेरे को क्यों बेड रेस्ट वगैरह करने का, तो फिलहाल में ही मेरा अभी 15 दिन पहले ही मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मेरे को प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं क्या कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा मैं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेन से मैं अभी पिछले वीक में मैं गुजरा हूँ, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ है इतना पेन वगैरह मेरे को जो हुआ है ऑपरेशन के थ्रू। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं प्रॉपर बेड रेस्ट कर रहा हूँ अभी इस मंथ। उन्होंने बोला है कि पूरा मेरे को रिकमेंड करा है कि प्रॉपर बेड रेस्ट होना चाहिए, बाहर आपको बाहर ना तो कुछ खाना है ना तो आपको बाहर कहीं जाना है, सब कुछ उन्होंने कहा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उनके अगेंस्ट जाके ऐसा कुछ करूं, तो मैं अभी तो बेड रेस्ट कर रहा हूं। और पापा मम्मी ने मेरे को भी कहा है कि बेड रेस्ट वगैरह करने के लिए, मैं सारा खाना वगैरह सारा मैं बेड पे खा रहा था, कैसे कैसे करके मैं खाना वगैरह खा रहा हूं, मैं ना तो दिन भर मैं सोया रहता हूं और क्या कहते हैं बस मोबाइल वगैरह थोड़ा बहुत यूज करता हूं, बाकी दिन भर मैं दवा इतने हैवी डोज के मेरे को मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर के थ्रू मैं ले रहा हूं कि क्या कहते हैं इतना मतलब कि पेन के रिलीफ के लिए मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, जिससे लेते ही मेरे को इतना ज़्यादा नींद वगैरह आता है कि मैं ज़्यादातर मैं सोता ही रहता हूँ, 24 घंटे में मैं लगता है कि 18 घंटा तो मैं सोता ही रहता हूँ, तो वो काफ़ी सही भी है ताकि क्या कहते हैं पेन इतना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ताकि उसे मैं झेल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं मेडिसिन के थ्रू मैं सोते रहता हूँ। तो ऑपरेशन मेरा हुआ इसी वजह से मैं मेरे को अभी रेस्ट वगैरह करने को डॉक्टर ने बोला है, जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो यही सब बात है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि देखो अभी मेरे ये टेबल पे आप लोग कहोगे मेरे टेबल पे क्या हाल हो रखा है, ये सब देखो इधर क्या कहते हैं ये कैमरा वगैरह सब कुछ जैसे तैसे बस फेंक रखा एक मंथ से, बस जैसे तैसे बस पड़ रखा है, ये रही बाइक की। तो हम अभी चलते हैं नीचे, चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बाकी आप लोग सामान वगैरह देख सकते हो, ये सब मेरे मेडिसिन वगैरह है जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, बाकी कैमरा वगैरह सब कुछ बैग में है, बाकी सब कुछ है, हेलमेट अभी पता नहीं कहाँ है मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मैं एक मंथ से सिर्फ बेड पर हूँ, मेरे को मेरा सामान कुछ कहाँ कुछ नहीं मेरे को नहीं पता। तो चलते हैं डायरेक्टली नीचे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं गाइस जल्दी से नीचे, 15 डेज आज हो चुके हैं, 15 से ज़्यादा ही हो गया, तो अभी फिलहाल डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए मैंने बोला है, तो मैं थोड़ा बहुत चल सकता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को नीचे जाके मैं आप लोगों को बाइक दिखाता रहा हूँ, नहीं तो हालत तो इतनी बदतर हो रखी थी कि मेरे को बस बेड रेस्ट पर मेरे को बेड पर सोया रहता था। तो फिलहाल अब ठीक है, तो बाइक एक मंथ से नीचे पड़ रखा है, बाइक को स्टार्ट वगैरह करते हैं, बाइक को स्टार्ट वगैरह करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे, चलते हैं जल्दी से नीचे। तो ये देख सकते हो गाइस, ये रही हमारी बाइक लगी हुई है, बाइक की रही देख सकते हो, और कितना गंदा हो रखा है यार, इधर तो इधर देख सकते हो ये मकड़ी का जाल वगैरह जो होता है वो सब, और ये कवर से ही आप लगा सकते हो कितना गंदा हो रखा है, देख सकते हो एक मंथ से बाइक ऐसे ही पड़ी हुई है। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और फिर कोल्ड स्टार्ट वगैरह करके देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले इसे कवर हटाते हैं, कवर से ही आप लोगों को पता चल जाता, देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है, ये देखो ये दो बाइसाइकिल, ये
ये मेरे पापा की साइकिल थी, ये मेरी साइकिल थी, इससे मैं स्कूल वगैरह जाता था। अब तो ये ऐसे ही लगा पड़ा, छोटा भाई है जो, वो तो चलाते वगैरह है नहीं। तो ये देख सकते हो बाइक में कुछ काम वगैरह मैंने करवाया था, ये हैंड ग्रिप वगैरह नया लगवाया था और फिर क्लच प्लेट वगैरह मैंने बाइक का बनवाया था, फिर हजार्ड वगैरह लगवाया था, पर जिससे मैंने काम करा उसने सही से काम करा नहीं है और साइलेंसर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक होल भी हो रखा है, ये सब भी ठीक करवाना है। तो यही सब काम था कुछ बाइक को मैंने, तो बीच में मॉडिफाई वगैरह भी करवाने के लिए सोचा था। ये सब देख सकते हो सारा स्टिकर वगैरह निकला हुआ है और ये हजार्ड वगैरह लगवाया था और क्लच प्लेट इसका ख़राब हो गया था, फिर आगे का शॉकर वगैरह, मतलब कि बाइक को सर्विसिंग में दिया था इसलिए बाइक थोड़ी नीचे से साफ भी लग रही है क्योंकि सर्विसिंग होने के बाद आके लगी हुई थी, एक मंथ से अभी तक लगी हुई है। तो अभी और भी इसमें बहुत कुछ काम करवाना था, मॉडिफाई वगैरह करवाना था, लेकिन फिर बीच में मेरा ऑपरेशन वगैरह जो सीन हो गया उसके बाद से बाइक लगी की लगी है। कल मेरे को अपलोड रेस्ट करने के लिए बोला है बट अभी थोड़ा सब कुछ ठीक है यार, टोटली 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो थोड़ा मैं चल फिर रहा हूँ, तो थोड़ा नीचे आ गया मैं, आके मैं आप लोगों को बाइक भी दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो अभी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी कि क्या ही बताऊँ मैं। बाइक वगैरह दिखाने का छोड़ो, सीढ़ी पे मैं ना तो उठ नहीं पा रहा था ना तो मैं बस सोया रहता था, तो अभी सब कुछ सही है तो मैं अभी आके आप लोगों को नीचे मैं बाइक दिखा दे रहा हूँ। और ये बाइक के साथ हो सके मेरी लास्ट वीडियो हो, क्योंकि हो सके देखो क्योंकि पापा मेरे बाइक ये सब चलाएंगे नहीं क्योंकि उन्हें ये सब बाइक पसंद नहीं, और रहा मेरा छोटा भाई तो वो अंडर एज है तो वो उसे मैं बाइक दे नहीं सकता ये सब चलाने के लिए, और उसे उतना ये सब बाइक वगैरह का शौक नहीं हो, तो मेरे को पसंद था बाइक वगैरह, मैं बाइक एडिक्टेड मतलब कि मेरे को राइडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था। और बीच में मैं जब नोएडा था तो मैंने तो बस वो गुलशन ने मेरे को सपोर्ट करा, गुलशन के सपोर्ट से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा और आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी अच्छा मेरे को, तो गुलशन को तो मैं कहीं ना कहीं थैंक्स ज़रूर बोलूँगा, उसके सपोर्ट से मैंने ये सब स्टार्ट करा, उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा मेरे मुझे, और मैंने सोचा था कि मैं उससे जाके मिलूँगा सब कुछ, मैं वीडियो वगैरह शूट करूँगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, कहीं ना कहीं पता नहीं है जो भी बोलो मेरी लग गया जो भी हो, रीज़न की वजह से मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ। तो बाइक को मैं सोच रहा हूँ कि सेल करने के लिए, और मैं किसी ऐसे लोगों के साथ तो सेल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है आरएस, पर अगर कोई आपकी बाइक वगैरह जो अगर कोई ख़रीदने की बात करता है ना तो फिर अभी तो मैं बोल रहा हूँ सेल से, जब ये बिकने लगेगी ना तब बहुत ही ज़्यादा क्या ही बताऊँ मतलब कि अजीब लगने लगता है। वही मैं सोच रहा हूँ कि बाइक वगैरह मैं किसी को ऐसे के हाथ में नहीं दूंगा क्योंकि डेली डीएल नंबर है और इसका पेपर वगैरह भी जो आरसी वगैरह उसमें भी काफ़ी वर्क ये सब काम ये सब लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये बाइक मैं अपने फ्रेंड वगैरह को सेल करूँ ताकि मैं इसे आराम से कभी लाइफ में फ्यूचर में मैं इसे अपना देख सकूँ या चला सकूँ। तो हो सके मैं इसे सेल करूँगा, कन्फर्म नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि इसे सेल ना करें, बट कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो मैं इसे सेल कर दूँगा। तो यही सब रीज़न था, तो काफ़ी याद है इस बाइक से जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। तो कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक को, कोल्ड स्टार्ट करने के बाद मैं दिखाता हूँ, देखता हूँ कोल्ड स्टार्ट होगा तो होना तो चाहिए, तो देखते हैं कोल्ड स्टार्ट होता है। तो बाइक को जल्दी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कोल्ड स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसे जल्दी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं पहले। तो भाई सेल तो एक बार में ही ले लिया, सब लोग देख सकते हो कोल्ड स्टार्ट हो गया, काफ़ी काम करवाने के बाद सब कुछ सही हो गया था, इसका जितना भी स्टेटर वगैरह का जो मेरे को लगा था कि प्रॉब्लम है वो सब कुछ कम्प्लीट हो गया था, तो क्लच प्लेट से ही जो प्रॉब्लम था। तो देख सकते हो यहाँ पे इस वजह से आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो एक बार देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है, बस इसमें थोड़ा बहुत आवाज़ इसलिए आ रहा था इसलिए मैं नहीं कर रहा था, तो बस यही था जितना हो सका मैंने आप लोग को शॉर्ट में मैंने आपको बता के समझा के मैंने समझा दिया था कि आप लोग के अंदर दिमाग के अंदर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल वगैरह नहीं है। तो गाइस आपने सब कुछ अपने देख लिया और वीडियो देख लिया, बाइक वगैरह भी मैंने आपको स्टार्ट करके मैंने दिखा दिया, और ये नहीं कि मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ या फिर आप लोगों को मजाक लग रहा हो, और ये कहीं ना कहीं सच है और मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि काफ़ी मैंने कमाए हैं, ये कुछ ऐसे लॉयल मेरे सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी आज भी मेरे साथ हैं, वो काफ़ी बोले कि भैया मेरे को आपसे मिलना है, भाई मेरे को आपसे मिलना है, बट उनसे मैं मिल नहीं पाया, मैंने सोचा था कि मैं फ्यूचर में कभी ना कभी उनसे मिलूँगा। तो काफ़ी कुछ है जो मेरे को फील हो रहा है, किसी भी मैंने बहुत कुछ सोच के मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब की वगैरह
कि मैं मेहनत करूँगा वीडियो बनाऊँगा। मैंने कहीं ना कहीं मेहनत करा, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह मेरे को मिला। तो जो भी कहो, खैर यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच आपको इतना सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का इतना सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और इसके लिए सॉरी, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि अपना बना बनाया सब कुछ वो छोड़ के ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं सब कुछ क्विट कर रहा हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा कुछ ना हो, जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर हो, ताकि मैं क्या स्टार्ट करूँ, चांस तो बहुत कम है, बट कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा। तो ये तो नहीं बोलूँगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए, और भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं फिर कब, आई डोंट नो।